मैंने ले लिया है GoPro Hero 11। पिंटू भाई कहाँ गए? पिंटू भाई भी कहीं गए काम से। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या इशू आया है, क्या प्रॉब्लम आई है हमारी सुजुकी एक्सेस 125 में। मैंने एंड्रॉइड के साथ तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही है मेरी। हम लोग आ गए हैं ट्रैक पे और यहाँ मामला बहुत ही खतरनाक हुआ पड़ा है। आवाज सुन लोगे? What's up guys, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप सभी के यूट्यूब चैनल में। तो काफी दिनों के बाद आज ब्लॉग किया जा रहा है। देखो अभी का सीन ये है कि मैंने जो अपना GoPro है ना उसको अपग्रेड कर लिया है। मैंने ले लिया है GoPro Hero 11, बड़ा वाला अभी के टाइम में सबसे लेटेस्ट। अब इसको मैंने किया है परचेज USA। फायदा ये हुआ मुझे USA परचेज करने का कि यहाँ पे जो GoPro 11 की जो प्राइस है वो 50+ है, मतलब 50,000 है, 50,000 के ऊपर है। बट मुझे USA पड़ा है ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास का पड़ा। साथ ही साथ हमें उसके अंदर मिल गया है एक साल का GoPro Plus का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड स्टोरेज का यूज कर सकते हो। आज का दिन ना काफी एक्टिव होने वाला है। एक्टिव इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारी जो सुजुकी एक्सेस 125 है ना उसके अंदर बहुत दिनों से इशू आ रहा था, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि लो आरपीएम पे स्कूटर बंद हो जाया करती थी। तो कई बार मैंने सर्विस सेंटर दिया, उसका जो मीटर था ना वो भी क्रैक हो गया था। तो अच्छी बात ये रही कि वो सारा काम ना अंडर वारंटी चेंज हो चुका है और अभी हम उसको पिकअप करने जाएंगे। साथ ही हमारे ड्यूक में भी एक प्रॉब्लम आई हुई है, उसका जो क्लच वायर है वो टूट गया, तो वो मैं परचेस करके लाऊंगा। कैसे क्लच वायर रिप्लेस किया जाता है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। GoPro काफी दिनों से मेरे पास आके रखा हुआ था बट उसको मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं है। खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें उसके अंदर हमें मिलती है। तो GoPro Hero 11 की पहली मोटो व्लॉगिंग ये होने वाली है और इस सेटअप को अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। वही पुराना माइक यूज हो रहा है और मीडिया जो क्या कहते हैं ऑडियो एडाप्टर जो होता है उसका वो मैंने यूज किया है। माउंट वगैरह आप लोगों ने देख ही रखा है, तो अभी उस पर मोटो व्लॉग किया जा रहा है। देखो अभी का सीन ये है कि मैंने आपसे अभी बात की थी कि हम जा रहे हैं सुजुकी सर्विस सेंटर अपनी स्कूटर उठाने। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई तो वो बताया सर इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या इशू आया है, क्या प्रॉब्लम आई है हमारी सुजुकी एक्सेस 125 में। आप लोगों के साथ भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अभी देखो किसी का फोन आ रहा है। मतलब ये आई है ना जो हमारी स्कूटर है ना, वो अगर आप उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे दिन में कभी भी, मतलब अगर हीटअप ना हो, थोड़ी ठंडी हो गई हो, वो क्या होती है कि लो आरपीएम पे बंद हो जाती है। मतलब आप जैसे आरपीएम डाउन करोगे तो वो बंद हो जा रही है वो FI इंजन, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसके चक्कर में ना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने से मेरी स्कूटर ऐसे दौड़ रही है, उस पर R&D हो रही है सुजुकी की तरफ से। अब क्या ही बोलूं, उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो स्टेफिन मोटर करके उनके पास होता है वो उन्होंने 2 से 3 बार चेंज कर दिया। हर बार बोला सर प्रॉब्लम फिक्स हो गई है और मैं उसको लेके आता था फिर से सेम प्रॉब्लम। मैंने 2 बार एयर फिल्टर चेंज करा दिया है, 1 बार स्पार्क प्लग चेंज करा दिया अपने पैसे से। अभी क्या है कि उसकी बैटरी का बोला कि प्रॉब्लम होगा तो मैंने बैटरी भी नहीं डाल दी। उसका FI जो है वो भी मॉड्यूल जो है वो भी चेंज हो चुका है। अभी देखो सीन ये है ना कि हमारी जो ड्यूक 390 है ना इसका क्लच वायर ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे है, टूट ही चुका है। तो इसको रिप्लेस कराना है, इसको चेंज कराना है और चेंज कराने का भी मैंने यही सोचा है कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। अभी हम जा रहे हैं पिंटू भाई के पास, वहां पे जाएंगे और इसका क्लच वायर देखते हैं, उनके पास मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो सर्विस सेंटर से उठाएंगे। पिंटू भाई कहाँ गए? पिंटू भाई कहीं गए काम से। अच्छा, फोन कर लो ना। हाँ कर ले रहा हूँ। पिंटू भाई तो थे नहीं तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करें, सीधे निकलते हैं यहाँ के KTM का जो वर्कशॉप है वहाँ पे। और बाइक के अंदर मैं सोच रहा हूँ 2 काम करा दूँ, एक तो क्लच वायर वाला काम है तो वो क्लच वायर मैं खरीद लूँगा और इसका मीटर शायद अपग्रेड करना होगा तो वो अपग्रेड करा लेंगे। ड्यूक का क्लच वायर चाहिए था। अच्छा, स्टोर पीछे। और एक चीज़ और पूछना था, बाइक का मीटर का कुछ अपग्रेड आया है क्या? ये 2018 मॉडल है, क्योंकि उसमें ना एंड्रॉइड के साथ तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही है मेरी। पहले ऐप आता था, वो ऐप आता ही नहीं है अब। नहीं वो बंद हो गया ना। तो कैसे कनेक्ट होगा? अपडेट में कुछ नहीं है ऐसा। कोई कोई मोबाइल में होता है, कोई में नहीं भी होता है। वही एंड्रॉइड में पहले था, ऐप के थ्रू हो जाता था वो कनेक्ट, अब तो कनेक्ट ही नहीं होता है। ड्यूक 390 का क्लच वायर चाहिए। कैसे हैं सर? आपका सर्विस यहीं पे है? नहीं, वो PVR वाले रोड।
तो देखो अभी का सीन ये है कि हमने KTM के वर्कशॉप से जो क्लच वायर है वो ले लिया है। पास में ही ना आई सुजुकी का जो सर्विस सेंटर है वो था जहाँ पे हमारी स्कूटर आई हुई है। तो अभी मैं वहाँ पे गया, सर्विस इंजीनियर से मिला, बातें वगैरह की, अपना जो इशू है वो डिस्कस किया और सारी वीडियोज वगैरह भेजी जो मेरे साथ इश्यूज आ रहे हैं स्कूटर को लेके। उन्होंने कहा कि सर एक बार हम क्या करते हैं ना कि 4 बजे के आसपास आप एक बार आइए, कुछ स्टार्ट करके देखते हैं क्या इशू आ रहा है, शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अभी एक बार घर का चक्कर लगा लेते हैं क्योंकि अभी यश को भी स्कूल लेने जाना है, कुछ स्कूल से लेके आना है। ये घड़ी वगैरह पहन के रेडियो के कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कार रेसर, कार जैसी चलाते हैं। अच्छा कार रेसिंग होगी वहाँ पे? अरे नहीं बुद्धू, वहाँ बाइक रेस होगी। बाइक रेस? तो yes. बाइक से क्यों नहीं जा रहे? कार से चलते हैं ना, कहाँ से आएंगे हम लोग इतने सारे लोग। हम कार लेके निकल चुके हैं, पास में ही बड़ौदा में एक ट्रैक है, होने ये वाला है कि आने वाले नेक्स्ट सैटरडे संडे को ना वहाँ पे KTM RC कप इवेंट होने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार जाके वहाँ देख लिया जाए, हो सके तो मैं भी शायद पार्टिसिपेट करूंगा। देखो रेस में पीछे से मैं फर्स्ट आने वाला हूँ ये तो मुझे पता है, क्योंकि ट्रैक रेसर तो मैं हूँ नहीं, टूरिंग वगैरह करता हूँ। देखो अभी शाम के ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं। वहाँ जाने से पहले ना मुझे एक चीज और करना है, हमारी सुजुकी एक्सेस जो है ना उसको अभी वापस से जाके चेक करना है, जो वहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह आए हुए हैं उनको बताना है कि इशू क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो ये खड़ी रही हमारी स्कूटर, अभी ठंडी हो गई होगी, इसको स्टार्ट करके देखा जाएगा। ये तुम्हारी है? कैसे पहचान ली? ये नहीं है, कोई और होगी, ये है ही नहीं तुम्हारी स्कूटर। यही है, यही है। अरे ये नहीं है, पूछो अंकल से, पूछो अंकल से, पूछो। कहाँ मिले थे हम? अरे हम नहीं पहचान पाए थे, ये कहाँ से पहचान पाएगा आपको। इन लोगों को इशू मैंने बता दिया है, इशू इनको पकड़ में आ गई है। अभी फिर से ये कह रहे हैं कि कुछ दिन तक अभी स्कूटर ये लोग रखेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, डायग्नोस वगैरह करेंगे, उसके बाद हमें 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। 2-4 दिन तो लगने ही वाला है इस चीज़ में। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं ट्रैक पे क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। ओ भाई साहब, ये देखो ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये लड़का है। रुक जा भाई, कितनी हॉर्न बजाएंगे सब ये। अच्छा पहले आप टर्न कर लीजिए। आ जाओ आ जाओ। क्या देखने को मिल गया यहाँ पे तुम लोग? ट्रैक पे बाइक। आज हम लोग आए हैं ट्रैक देखने। एकदम मस्त, एकदम मस्त ना। चलो तुम लोग अच्छे से दिखाते हैं। तो यहाँ होने वाला है इवेंट। देखो यहाँ चल रही है बाइकें। हम लोग आ गए हैं ट्रैक पे और यहाँ मामला बहुत ही खतरनाक हुआ पड़ा है। आवाज सुन रहे होगे, आप लोगों को बाइकें दिखाता हूँ और इसको आप नहीं पहचान रहे होगे, बट ये हमारे साथ इंदौर गया था। आप लोग अभी स्टोरी वगैरह में देखोगे तो ध्यान होगा। ऑलमोस्ट हम लोग कितने महीनों बाद मिल रहे हैं? 6 महीने हो गए। 5 से 6 महीने तो हो ही गए होंगे। एक ही बार गया। देखो कितनी प्यारी प्यारी बाइकें यहाँ पड़ी हुई हैं। कल इन्हीं से रेस होने वाली है और हम आए हैं यहाँ पे मुआयना करने और हम साथ में लाए अपने ड्रोन, एक बार देखते हैं। मामू को बैठने दो। नहीं इस बार मामू पीछे। मजा आया ट्रैक पे रेस देख के? रेस नहीं थी, सिर्फ एक प्रैक्टिस थी। अच्छा ये प्रैक्टिस थी, रेस कल होने वाली है, देखने आना है? हाँ। हाँ? अगर रेस होगी तो पापा को प्यार करोगे तभी दिल ले आएंगे पापा तुमको। अरे रेस के शौकीन, अरे बदमाश। अब ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, नया हो हमारे चैनल पर तो कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय योर लाइफ। एक ही लाइफ एंजॉय करो, चलो बाय बाय।